खोल दे गेट जल्दी। चले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आज केराटिन ट्रीटमेंट करवाने वाली हूँ। एंड रियली रियली सॉरी, मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग एकदम बकवास की है, आई नो दैट। एक्चुअली मेरा व्लॉग करने का कोई भी प्लान नहीं था, तो मैंने अचानक से कैमरा ऑन कर लिया। मैंने कहा चलो यार थोड़ा बना लेती हूँ व्लॉग। सो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने स्टेप्स दिखाऊंगी कि कैसे कैसे उन्होंने मेरा केराटिन ट्रीटमेंट किया। तो मैं इसको ज़्यादा कोई लंबा व्लॉग नहीं रखने वाली हूँ। और सबसे पहले तो ना मैं आई थी नासिर हुसैन यमुनानगर में। ये मतलब कि ना मैं जब भी केराटिन करवाती हूँ ना इधर से ही करवाती हूँ। सो सबसे पहला रीज़न आता है प्राइस। एक अच्छे प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी मिलना तो हर जगह नहीं हो पाता, तो यहाँ मुझे अच्छा प्राइस भी मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। सो वैसे तो आप केराटिन के स्टेप्स देख ही रहे हो वीडियो में, बट फिर भी मैं चलो बता देती हूँ, थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने किया हेड वॉश, फिर ब्लो ड्राई, और उसके बाद उन्होंने जो केमिकल अप्लाई किया था वो 40 to 45 minutes के लिए अप्लाई किया था, जिससे कि ना मतलब हेयर्स का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करने के लिए। आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता, बस मैं बता रही हूँ जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं वही बता रही हूँ। उसके बाद 40-45 minutes उसके बाद वॉश करके हेयर स्ट्रेट करके फिर उन्होंने अप्लाई किया ये कुछ था केमिकल, आई डोंट नो, इसका भी मुझे नहीं पता है। ये शायद फिक्सर है, फिक्स करने के लिए होता है। तो ये सारे हेयर्स में उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद ये 15-20 minutes के अराउंड इसको रखा था, और उसके बाद उन्होंने वॉश कर दिया। तो कुछ यही स्टेप्स हैं। एंड लास्ट में ब्लो ड्राई करके उन्होंने मुझे भेज दिया, तो ये थोड़ी सी फाइनल लुक आ गई। और 2 days के बाद मुझे दोबारा से जाना था। और उन्होंने ना बड़ा मुझे साफ साफ शब्दों में बोला था, ना तो आपको फेस वॉश करना है, ना आपको नहाना है, और पानी तो बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए बालों। और फिर भी ना आप आगे मेरे काम देखना ज़रा। सो मैं बाहर आ गई थी और ये लोग आ गए। मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले तो ना कुछ खाते हैं उसके बाद चलेंगे, क्योंकि वो मंदिर ना लेट तक ओपन होता है और अभी वहाँ आरती भी स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो इतना हमारा खाना पीना हो जाएगा कुछ, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, तो नहीं लगी भूख, भूख नहीं लगी। पूछो ये बेचारा मेरे साथ तब से बैठा हुआ, दिन में आए थे रात हो गई है यार। सौरभ पहले कुछ खाना यार, भूख लग रही है, जान निकल रही है पेट में से यार। कहीं आसपास पानी नहीं पड़ा क्या? मेरे को फेस वॉश करना है ना, बहुत ज्यादा मतलब हम केमिकल्स कर रहे हैं उसके ना, तो टच टुच हो जाता है मतलब कि। अंकल जी पानी पिला दीजिए, पानी की बोतल पड़ी आगे देखियो, मेरा गला सूख रहा है, पड़ा चिंचू धुलवाइयो यार, मेरा मुंह धुलवा मेरा, यही से देख रहा हूँ। बोला तो 2 दिन मुंह नहीं धोना और 2 दिन मतलब नहाना नहीं है, मैं ऐसे रह थोड़ी सकती हूँ, थोड़ा सा सेट करके कर लेते मुंह। वैसे कुछ केमिकल नहीं लगाना होगा मुंह पे, फेस वॉश वगैरह पानी रहा, हाथ नहीं पानी रहा, मुंह नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर करो। दे मैं पकड़ लूँ, हो गया बस ना, मेरे को टिश्यू दो जल्दी। अभी उसने अंदर से जस्ट कह के भेजा है कि अरे उधर से आ, ओह गॉड बाल टच नहीं होना चाहिए। कितनी सॉफ्ट है ये यार, पहले कुछ खिलाओ यार, बहुत तगड़ी भूख लग रही है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। यहाँ से है रास्ता? है रास्ता, हाँ इधर से भी चलो। और पता है मेरे को इतनी नींद आई जाए वहाँ बैठे बैठे ऐसे, बीच में तो मैं ऐसे हो गई हेड मसाज। ये आ गए मोमोज, रख दे इधर मोमोज, मोमोज को गिरना जाए, गिरना जाए, पकड़ पकड़ रेड वाली पकड़, सारी पकड़। बकवास कम किया कर मेरे साथ, फ्राइड नहीं लेके आए, फ्राइड लाई है लफड़ा, गिरना तो चटनी मुझे भी पता है, चटनी है इसके ऊपर। मैं पानी आ रहा है, रुका नहीं जा रहा, चलो बाद में बात करते हैं, कांट वेट। चका लो लाइट, जुका रह गई, पेमेंट करके आ रहे थे ले चेतन।
एक मिनट रुक जा भाई, शांति नहीं है शांति। लाल वाली चटनी साथ में मियोनीज। ओए भाई रुक जा भाई, चीजों को वेट कर लो। अपने जिज्जू को कहाँ छोड़ा है? जिज्जू उसने रख लिया चाऊ माऊ ने। हाय गाइस, सो अभी दो दिन हो चुके हैं मेरे को स्विमिंग कराए। दो दिन तो नहीं, मतलब एक दिन कंप्लीट हो चुका है। नहीं आप देख सकते हो उस दिन मैंने व्लॉग रैंडमली एंड किया, बट मुझे ये वाला दिन थोड़ा कंटिन्यू करना था, इसीलिए तो मेरे बाल बहुत चिपकी चिपकी हुए पड़े हैं। बिकॉज उन्होंने मना किया था बिल्कुल भी मतलब पानी टच नहीं होना चाहिए, नहाना भी नहीं, बट फिर भी मैं नहा चुकी हूँ। बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी में मुझे रहा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने नहा लिया। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ हेड वॉश कराने, आफ्टर टू डेज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के साथ। और मुझे आज ना मेरे पापा का बर्थडे है, तो हम लोग शाम को भी जाएंगे कहीं पर। तो मैं ना यार लिमिटेड अपने कपड़े लेकर आई थी, मेरा इतना प्लान नहीं था इधर रुकने का, बट हम फिर रुक गए। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि हमें रुकना पड़ा यहाँ पर। और तो मैं जा रही हूँ, मेरे को कुछ देख के लाने कि मैं शायद मेरे भी मुझे कुछ अगर पसंद आ जाए शाम को वियर करने के लिए, तो मैं वो भी पहले वो परचेज करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी हैंड वॉश कराने के लिए। अभी बस जा रहे हैं, पहले मुझे कुछ कपड़े देखने हैं और उसके बाद जाऊँगी मैं हैंड वॉश कराने। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अपनी मॉम के साथ, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। तो चलिए फिर। दो दो पर्स, ये अलग से जा रहा है कहीं पे। बोल दिया आपने इसे जल्दी आने को? हाँ, मतलब दीदी भी कहती जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे मतलब। हाँ मेरे को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, टी शर्ट में तो टाइम लगना होता ना, फिर नोनी पसंद आती जल्दी। चलो वहाँ पहुँच के बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पहुँच के बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो अभी हम पहुंच गए स्टूडियो, चल रहे हैं बाहर। एक तो ये वाला टॉप है, मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल है। इधर से थोड़ा बहुत स्टफ लेके मैं आ गई थी नासिर हुसैन हेड वॉश के लिए, और हेयर स्पा भी होना था और हेयर कट भी होना था। तो सबसे पहले उन्होंने हेड वॉश करके उसके बाद ब्लो ड्राई किया नॉर्मल, उसके बाद हेयर कट मुझे करवाना था, बट ज़्यादा नहीं, मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब यार कैसा लगेगा, आई डोंट नो। वैसे तो मैं बहुत बार लेयर्स ही करवाती हूँ, तो मैं अब भी लेयर्स ही करवा रही थी। और मैंने बोला था कि ज़्यादा शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करने हैं, फिर भी यार देखो यार कितने ज़्यादा शॉर्ट कर दिए। एनीवेज हेयर कट करवा के अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, भाई का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो कार अंदर करवाएगा। और इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, बिकॉज ये सिर्फ केराटिन स्मूथनिंग के ऊपर था, तो इसके साथ मैं बर्थडे ब्लॉग नहीं एडजस्ट कर सकती हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने हेयर कट करा लिया है और मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, जो कि मुझे अभी अच्छे नहीं लग रहे, मतलब इतना ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ स्मूथिंग अच्छी हुई है, बट मुझे हेयर कट बहुत मतलब ऐसे लग रहा है, और कितने छोटे छोटे बाल हो गए मेरे, देख रहे कितने कितने छोटे छोटे बाल कर दिए। एनीवेज चलो ये तो घर की खेती है, दोबारा उग जाएंगे। और इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, या फिर जब तक ये वीडियो आएगी वो हो चुके होंगे। तो थैंक्स टू यू ऑल, आप सबकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, ऐसे बोलना चाहिए हो गए। और चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इधर भाई साहब वेट कर रहे हैं और मैं कार अंदर करती हूँ फटाफट, ठीक है। और शाम को हम जाएंगे कहीं तो जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।